हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अगेन हेयर विद द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक आर्टिकल, आर्टिकल पार्ट टू। इन माय प्रीवियस वीडियो, इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो, यू फाइंड आउट दैट देर आई हैव डिस्कस अबाउट द आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल, डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ए और एन इज द इनडेफिनेट आर्टिकल, द इज डेफिनेट आर्टिकल। आई हैव डिस्कस देयर यूज ऑफ ए एंड एन। Today I will discuss here the use of article the, that is definite article। ठीक है, वहाँ पर मैंने इसलिए pause किया था और मैंने बोला भी था वहाँ पर कि आप second part में जब इसको easily समझ सकते हैं। तो यहाँ पर today we will discuss about the use of article the, that is definite article। ठीक है, ये जो the होता है हमारा, कौन सा article होता है हमारे, two kinds होते हैं। there this is definite article, means ये हमारा special article है, definite article है। ठीक है, चलिए इसको start करते हैं। द इज यूज बिफोर द वर्ड और नाउन टू विच वी वॉन्ट टू प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेंस। द का हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम उस नाउन या उस शब्द से पहले इसको यूज़ करते हैं जिसको हम ऐसे प्रेजेंट करना चाहते हैं जो कि वो कुछ स्पेशल है। जब हम किसी भी नाउन को स्पेशल सेंस में यूज़ करना चाहते हैं, वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर इट। जैसे यहाँ देखिए, दिस इज द बुक विच माई फादर लाइक्स द मोस्ट। ये वो किताब है, स्पेशल बता रही हूँ मैं, इस किताब की क्या खासियत है, द बुक। ये इसलिए मैंने इसके पहले द यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये वो ही वाली बुक है, स्पेशल, स्पेसिफिक सेंस। मैंने बताया ना, द को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें स्पेसिफिक टच देना होता है। तो ये वही वाली स्पेशल बुक है, विच माई फादर लाइक्स द मोस्ट, जो बुक मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। विच बुक माई फादर लाइक्स द मोस्ट, जो बुक मेरे फादर को सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इस बुक की क्या स्पेसिफिक थिंग है कि ये बुक मेरे फादर की फेवरेट बुक है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे किसी कॉमन बुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल बुक की बात कर रहे हैं, दैट बुक दैट इज़ लाइक बाय माय फादर। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, पॉइंट वन था ये, द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्पेशल सेंस में। ठीक है, अब हमारा ये पार्ट पॉइंट वन हुआ। पॉइंट टू क्या हुआ, द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, क्लास में सुपरलेटिव डिग्री आपको हल्का सा रिफ्लेक्ट कर देती हूँ। व्हेन यू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की थ्री डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री जब हमारी आती है तो हम उससे पहले भी यूज़ करते हैं आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम क्या कहते हैं, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो जो बेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव क्वालिटी। किसी भी एडजेक्टिव का की जो थर्ड डिग्री होती है वो होती है सुपरलेटिव, यानी कि हाईएस्ट ऑफ द क्वालिटी। तो जब किसी भी चीज़ की सुपरलेटिव डिग्री होती है तो हम उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल द। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, हरी इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। हरी जो है वो अपने क्लास का द बेस्ट, द बेस्ट मीन सबसे अच्छा। तो हमने आर्टिकल बेस्ट से पहले क्या यूज़ किया, द। ठीक है, आर्टिकल किसके पहले यूज़ हुआ, गुड, बेटर, बेस्ट, मैंने बताया था बेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट हम आते हैं, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ नेचुरल थिंग्स। द किसके साथ हम यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं क्लास, मेड बाई गॉड, जो चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो उन नेचुरल थिंग्स के नेम के पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द। एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने आगे, द सन, ठीक है, ये नेचुरल है, द सन, द मून, द रिवर, द स्टार एक्सेट्रा। ऐसे ही जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा होता है, द। ठीक, पॉइंट नंबर फोर हमारा क्या कहता है, द इज़ यूज बिफोर द नेम, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा फोर्थ पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, आपकी कोई फेमस बिल्डिंग हो उसके नाम से पहले, फेमस बुक हो उनके नेम के पहले, आपके जो फेमस न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नेम के पहले, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे तबला है, बाजा है, आपकी फ्लूट है, हारमोनियम है, गिटार है, ठीक है, ऐसे जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्ले कर सकते हैं हम, फिर या फिर किसी हिस्टोरिकल इवेंट के नेम से पहले, और बिफोर द नेम ऑफ द डायरेक्शन। तो ये पॉइंट्स क्लास आपको अपने पास याद करने पड़ेंगे, देर आर फोर फाइव थिंग्स, बिल्डिंग, फेमस बुक, न्यूज़पेपर, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट,
हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे ऐतिहासिक कोई घटना घटी हो, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ या विश्व युद्ध हुआ या फिर राणा प्रताप के साथ, जैसे इस टाइप के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ठीक है, तो उन इवेंट्स का जब हम डिस्कशन करते हैं उनके पहले भी हमें ये आर्टिकल द यूज़ करना है। डायरेक्शंस आप अच्छी तरह जानते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारी फोर डायरेक्शंस होती हैं, उनके नेम से पहले भी जब कहीं हम डायरेक्शन को यूज़ करेंगे तो उनको भी पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, आर्टिकल द। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इसको हम स्पेसिफिकली हम किसके साथ में यूज़ करते हैं, जब हमारे सामने ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये आते हैं, फेमस बिल्डिंग, फेमस बुक, न्यूज़पेपर, इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल इवेंट एंड डायरेक्शन। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट हमने लिया फेमस बिल्डिंग, देखो अब एग्जांपल हम देख रहे हैं, आई सॉ द ताजमहल। ताजमहल क्या है, हमारी फेमस बिल्डिंग है, तो ताजमहल से पहले हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया, द। आई सॉ द ताजमहल फेमस बिल्डिंग से पहले। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द अरेबियन नाइट्स इज़ माई फेवरेट बुक। अरेबियन नाइट्स जो है क्लास स्टोरी बुक है, ठीक है, तो आप इस उसके पहले ये बहुत फेमस है, अरेबियन नाइट्स में कभी स्टोरीज़ पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, अरेबियन नाइट्स की बुक जो है, तो जब ये फेमस बुक हो गई तो बुक के पहले हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया, आर्टिकल द। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने फेमस बिल्डिंग से पहले आर्टिकल द यूज़ किया, फेमस बुक से पहले आर्टिकल द यूज़ किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, माई फादर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, सॉरी हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, एक फेमस न्यूज़पेपर है, ठीक, तो फेमस न्यूज़पेपर, अभी हमने पढ़ा था वहाँ पे फेमस बिल्डिंग, फेमस बुक एंड फेमस न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जब हमारा फेमस है हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसके आगे हमने क्या यूज़ किया, द। ठीक है, थ्री पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं, माई सिस्टर प्लेज़ गिटार, ठीक है, वो क्या बजाती है, गिटार बजाती है। मैंने बताया था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी ये वाद्य यंत्र होते हैं जिसको हम बजाते हैं, ठीक है, म्यूज़िक के लिए, तो इनसे पहले इनको इनके पहले भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, तो गिटार यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पहले भी हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया, आर्टिकल द। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन 1761। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट डिस्कस हो रहा है, हिस्टोरिकल इवेंट इज द टर्म दैट इज द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये हमारा हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट क्या है, पानीपत का जो युद्ध है वो एक ऐतिहासिक घटना है, तो जब कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट होता है उसके पहले भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज द सन राइजेज इन द स्काई। द सन, द मैंने बताया था यहाँ पर, देखिए दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, एक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पॉइंट कि नेचुरल थिंग से पहले, यानी कि द सन जो है वो हमारा नेचुरल है, और डायरेक्शंस के नेम से पहले, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट क्या है, पूर्व दिशा, यानी कि ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट हमारे मैच हो रहे हैं कि एक हमारा नेचुरल थिंग और दूसरा हमारा जो डायरेक्शंस के नेम होते हैं उसके पहले भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। सो नाउ इट्स कन्फर्म, बिफोर न्यूज़पेपर नेम, फेमस बुक नेम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम के पहले, हिस्टोरिकल इवेंट से पहले, और एक अभी हमारा ऊपर और क्या था, यहाँ पे हमारी जो फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, फेमस बिल्डिंग्स और इंस्ट्रूमेंट्स, बुक्स, आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स, नेचुरल थिंग्स और डायरेक्शंस के नेम से, इतनी सारी चीज़ों के आपको नेम याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल, इट यूज़ विद द स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है, स्पेसिफिक थिंग्स के साथ में इसको हम यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में एक स्पेसिफिक टच देना चाहते हैं कि यहाँ इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल है, देन वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द। गॉट इट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, द इज़ यूज्ड, अब यहाँ पे फिर हम द के बारे में, द इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन, द हमेशा उस नाउन के पहले यूज होता है, दैट इज़ रिपीटेड, जिसको रिपीट किया गया होता है, इन द सेंटेंस सेकेंड टाइम, किसी भी सेंटेंस में अगर हम कोई भी नाउन एक से ज़्यादा बार, यानी कि दोबारा से हम उसी नाउन के बारे में अगर हम कोई बात करने जाते हैं, यानी तो हम उस नाउन को रिपीटेड, उसी सेम नाउन को अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आप अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल समझ में आएगा। एग्जाम्पल है आपका, आई हैव आ मैंगो, अब यहाँ पे कौन सा मैंगो है, हमने एक जनरल मैंगो की बात की, भाई मेरे पास एक आम है,
कौन सा है, कहाँ से आया, किसने दिया, कुछ नहीं पता, कन्फर्म ही नहीं, नॉर्मल एक बात बताई। लेकिन जैसे ही मैंने इसी सेम नाउन को, यहाँ पे नाउन क्या है, मैंगो, क्योंकि फ्रूट नेम है, तो यहाँ पे मैंगो के को जैसे ही मैंने रिपीट किया, द मैंगो इज़ स्वीट। अब मैंने क्या यूज़ किया, पहले वाले मैंगो के साथ में मैंने यूज़ किया आ मैंगो, लेकिन दूसरा जैसे ही मैंने उसको सेकंड सेंटेंस ये बोला, मैंने ना रिपीट किया इन द सेकंड सेंटाइम, जैसे ही हम उसी सेंटेंस उसी नाउन को रिपीट करते हैं, अब यहाँ पे मैं किस मैंगो की बात कर रही हूँ, ये तो कॉमन मैंगो था, कोई सा भी मैंगो, भाई मेरे पास एक आम है। अब जब मैं इस सेंटेंस को कंटिन्यू कर रही हूँ तो मैं स्पेशल इसी वाले मैंगो की बात यहाँ कर रही हूँ, यानी कि अब कोई और मैंगो नहीं, जो मीठा है, द मैंगो इज़ स्वीट, ये जो मीठा वाला मैंगो है वो कौन सा वाला है, तो ध्यान रखिएगा क्लास, ये वाला जो मैंगो मैंने पहले कॉमन बताया था, अब वो स्पेशल बन गया, क्यों, क्योंकि अब जो मैं बात कहने जा रही हूँ वो इसके बारे में है, ये द मैंगो इज स्वीट, ये वाला जो मैंगो है वो स्वीट है, वो मीठा है। अब मैं किसी कॉमन मैंगो की बात नहीं कर रही हूँ, अब जो मेरे पास जो मैंगो मेरे पास आ चुका है, उस वो मैंगो की स्पेशल क्वालिटी क्या है कि वो मीठा है। तो जब भी हम किसी भी नाउन को स्पेसिफिक टच देते हैं तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल आ जाता है, द। जब हम कॉमन बात करते हैं तो आर्टिकल ए, और जब हम उसी नाउन को स्पेशल टच देते हैं, उसी के बारे में हम कोई सेंटेंस रिपीट करते हैं, तो हम उस सेम उसी आर्टिकल उसी नाउन के पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत टाइम तक बच्चे इसको समझ नहीं पाते, कन्फ्यूज़ रहते हैं। सो मैं इसको बार बार आपको बता रही हूँ, इसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी हम सेंटेंस में सेम नाउन को रिपीट करते हैं सेकेंड टाइम, तो पहले भले ही उसके पहले हमने आर्टिकल ए यूज़ किया हो, लेकिन जब हम उसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू करते हैं, चाहे एक दो जितने भी सेंटेंस आएंगे, अब हम अगर इसी मैंगो की बात करें तो वहाँ हर बार वहाँ पे हम आर्टिकल द यूज़ करें, क्योंकि अब ये वो स्पेशल मैंगो बन चुका है जो मेरे पास है। बाकी दुनिया में बहुत सारे मैंगो हैं, मैं किसी मैंगो की बात नहीं कर रही, मेरी मम्मा के पास, पापा के पास, या ट्रीज पे, कहीं कोई भी मैंगो, उस सब की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ एक स्पेशल मैंगो की बात हो रही है जो मेरे पास है। और जब हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हम आपको अच्छी तरह पता है हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। गॉट इट क्लास? देना चाहती हूँ प्लीज़, पहले तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट आर्टिकल पार्ट वन देखिएगा, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल की डेफिनेशन, आर्टिकल के पार्ट्स, काइंड्स, ठीक है, उसके नेम, डेफिनेशन, आफ्टर दैट यूज़ ऑफ ए और एंड। इन द दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है। तो आपको वो वीडियो सबसे पहले देखनी है, उसके बाद ये वीडियो देखनी है, तब आपको आर्टिकल का पूरा टच समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ हम क्या इनके यूजेस हैं, किसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों के साथ, किन किन जगहों पे हम इनको स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू विल गेट द टॉपिक वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट कंटिन्यूसली with the new topics, with the new chapter stories, with the new grammar sections. So thank you, बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ, मिलते हैं next meeting में, meeting में, videos में। Thank you, have a nice day.